हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का चैनल में स्वागत है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि हम जैसे ही आपके लिए नया वीडियो लेके आते हैं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जो हिस्ट्री का है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसा कि देखा गया, अभी जो रेलवे एनटीपीसी जो एग्जाम हो चुकी है अब तक, उनमें यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। हर शिफ्ट में एक से दो सवाल पूछा जा रहा है। हिस्ट्री में चार पांच सवालों में से एक से दो सवाल इधर से आ ही रहा है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसमें कि महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंधित व्यक्ति और उनका उद्देश्य को कवर किया है। बहुत ही कारगर साबित होगा आपके लिए ये वीडियो। यहाँ से हर शिफ्ट में एक से दो सवाल देखे जाएंगे, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, ताकि सवाल आ जाए तो आप उसको छोड़ के ना हो। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। इसकी स्थापना किसने की थी? ए.एफ. ह्यूम। मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों को देखते हैं, महत्वपूर्ण रह चुके हैं उनको। पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी, और इसके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इसके मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयब जी। की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में बनी थी। और इसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। 1925 में बनी थी। दोस्तों, हम चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद में बंग बंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं, 1905 में आयोजित हुआ था, जो कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन प्रस्ताव किया था। दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अंदर मुसलमानों को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, तो इसीलिए मुसलमानों मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि 1906 में हुई थी, आगा खान एवं सलीमुल्ला खान ने ढाका में की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खान एवं सलीमुल्ला खान ने ढाका में की थी। मुस्लिम लीग है, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? लखनऊ में था। और एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर प्रकाशित करता था, जिसका नाम था डॉन। और एक बुक है ग्रीन बुक, उसके लेखक कौन है? मौलाना मोहम्मद अली। आप याद रखो, ग्रीन बुक के लेखक कौन है? मौलाना मोहम्मद अली। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था 14 अगस्त 1947 को डिसॉल्व विघटित भी हो गया था। दोस्तों, आगे चलते हैं। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, जिसमें कि नरम है गरम दल में विभाजित हो गई थी। और वो बोलते हैं सूरत अधिवेशन 1907। 1909 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आया था, मोरले मिंटो एक्ट, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, और उस टाइम ऐसा करने वाले व्यक्ति थे किंग जॉर्ज फाइव। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना भी हुई थी। 1916 में होम रूल आंदोलन आया था, जो कि तिलक व एनी बेसेंट द्वारा लाया गया था। उसके बाद में लखनऊ पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916 में, जो कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता था। 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की भी प्रस्तावना रखी थी अहमदाबाद में। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था। मॉन्टेग्यू घोषणा की थी 20 अगस्त 1917 के भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने। और उसके बाद में 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया था, जो कि एक काला कानून था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और उसके बाद में 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था। आगे चलते हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और ऐसा ऑर्डर करने वाले जो कौन थे? डायर, जनरल डायर, जो कि अमृतसर में हुआ था। हम आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया था, दो भाई थे अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली। उसके बाद में 28 मई 1920 को हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और हंटर कमेटी किससे संबंधित थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। उसके बाद में कांग्रेस का नागपुर का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, जिसमें कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिया था। उसके बाद में चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, जो कि गोरखपुर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश है। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को।
मोतीलाल नेहरू एवं चिरंजन दास ने किया था। और उसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924 किसके द्वारा? सचिंद्र सन्याल। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य आयोग का गठन हुआ था। कितने सदस्य आयोग? 7 सदस्य। उसके बाद में साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी प्रहार भी किया गया था। हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसके बाद में अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उसके बाद में बारदोली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन। याद रखो बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सवाल आए तो टिक मार देना। आगे चलते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। आगे चलते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था और इसके अंदर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे चलते हैं नमक सत्याग्रह की तरफ। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच में महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। याद रखो सवाल आ सकता है। आगे है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने। लंदन में आयोजित हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ था 8 मार्च 1931 को, जिसके ऊपर आरआरबी एनटीपीसी में 7 जनवरी को सवाल आ चुका है। और इसके अंदर गांधी जी की 11 मांगे थी। महात्मा गांधी और इरविन के मध्य संपन्न हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित करने की घोषणा की थी इसने। पूछा जा सकता है कि वह कौन सा एग्रीमेंट था जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। आपको जवाब देना है गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ था। आगे चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था मेरे दोस्तों? सवाल आ चुका है यहाँ से 7 सितंबर 1931 को। मार देना सवाल पे 7 सितंबर 1931 को। इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट कब हुआ था ये? 16 अगस्त 1932 मैकडोनाल्ड द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रदान करना। आगे चलते हैं पूना पैक्ट की तरफ। सितंबर 1932 में हुआ था। इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा चुका है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता था पूना पैक्ट। अगर पूछ ले पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर। आगे चलते हैं। इसके तहत सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। आगे चलते हैं। उसके बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932, लेकिन इसमें कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934। किस किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एमएम जोशी। आगे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था मेरे दोस्तों? जवाब बताओ। 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगर सवाल पूछ ले फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1 मई 1939। और अगर पूछता है किसने किया था तो टिक मारना है सुभाष चंद्र बोस। आगे चलो। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया। समझ में आया कब मनाते हैं मुक्ति दिवस? 22 दिसंबर को। टिक मार देना सवाल आता है तो। अगली स्लाइड है। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940। कौन से अधिवेशन में हुआ था ये? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी जो कि 24 मार्च 1940 को हुआ था। आगे है अगस्त प्रस्ताव
8 अगस्त 1940 को। उस टाइम वायसराय कौन थे? लिन लिथगो। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में हुआ था और उस टाइम करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्टिफाइड क्रिप्स। आगे चलो। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे चलो भाई। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945। जवाब मार देना, सम्मेलन का साल पूछे तो 25 जून 1945। और ये जो सम्मेलन था उसके अंदर सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। आगे चलो। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 मुंबई में। आगे है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को हुई थी और उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने का प्रस्ताव, भारत को स्वतंत्र करेंगे। आगे चलो। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मार्च 1946 को हुआ था। आगे चलो। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 और उसमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? नेहरू जी। आगे है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लाई गई थी और वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना रखी थी। आगे चलो। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा और उसके बाद में भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलो दोस्तों, हमने इसमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन घटनाएं और व्यक्ति कवर कर लिए हैं। उम्मीद है यहाँ से सवाल जैसे अब तक पूछे गए हैं वैसे ही पूछे जाते रहेंगे। एसएससी में भी सब जगहों पे आपके लिए वीडियो उपयोगी साबित होगा, हम ऐसे उम्मीद करते हैं। इतना अच्छा वीडियो डाला मेरे दोस्तों, अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे तो यार अच्छी बात नहीं लगेगी। कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में वीडियोज को लाइक और शेयर कर दो और आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। हम आपके लिए एक से एक जबरदस्त शानदार जानदार वीडियो लाते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो लेकिन बड़े काम के वीडियो। अरे वीडियो की लंबाई छोटी हुई तो क्या हुआ, उसके अंदर जानकारी तो बहुत सारी है ना दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।